नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर झूठ बोलने वाली सरकार। ग्राउंड रिपोर्ट, खेती के संघर्ष संग कलम की ताकत। एनटीसीए आंदोलन अब देश के इतिहास का अभिन्न हिस्सा। कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 24,337 नए मामले, 333 मरीजों की मौत। हाल ही में मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दावा किया कि उनकी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की प्रमुख सिफारिशों को लागू कर दिया है। इन सिफारिशों के मद्देनजर न्यूनतम समर्थन मूल्य खेती की कुल लागत से 50% अधिक होना चाहिए, जिसे C2 फॉर्मूला कहा जाता है। यह एक ऐसा झूठ है जिसे इस सरकार ने कई बार दोहराया, क्योंकि उसके खुद के दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। मोदी इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में अभियान कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया, और नतीजा यह रहा कि हजारों किसान कड़ाके की सर्द में दिल्ली की नाकेबंदी किए सीमा पर डटे हुए हैं। वर्ष 2014 से 15 और 2020 से 21 के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की खरीद पर लगभग 7.43 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया। हालांकि अगर सरकार विभिन्न फसलों का दाम MSP के फॉर्मूले C2+50% के हिसाब से देती तो सरकार को इस खरीद पर 9.36 लाख करोड़ रुपए अदा करने पड़ते, यानी कि 1.93 लाख करोड़ रुपए का बकाया किसानों को सीधा नुकसान है। यहां पर विवरण केवल 2 मुख्य फसलों गेहूं और चावल को लेकर है। 21 अन्य फसलें भी हैं जिनमें बाजरा, मक्का, दालें और तिलहन आदि शामिल हैं, जिनके लिए हर मौसम में MSP भी निर्धारित की जाती है। यदि आप इन फसलों की MSP और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बीच के अंतर की गणना करते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। हालांकि इन फसलों का अर्थशास्त्र बहुत ही बदतर हालत में है, क्योंकि इन फसलों के छोटे से हिस्से की वास्तव में खरीद की जाती है। इसका मतलब यह है कि देश भर में इनमें से अधिकांश फसल को MSP के नीचे बेचा जाता है। मोदी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें को लागू कर दिया है, जो कि सरासर गलत है, और सरकार के इस झूठ की वजह से किसानों को 1.93 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हरियाणा दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों की 24 दिन से चल रहे जुझारू संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं साहित्यकार, कलाकार और गायक। वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने टिकरी बॉर्डर के गुलाब कौर नगर से किसानों के साथ डटे वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर सुखदेव सिंह से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन ने पंजाब के पूरे फलक को बदल दिया है। जिस दिन से किसानों का आंदोलन चला है, उस दिन से पंजाब के जितने राइटर्स थे, हम इनके साथ बैठे रहे हैं। हमने स्ट्राइक में भी शामिल हुए, बंद में भी शामिल हुए। हम जहाँ जहाँ इनके मोर्चे लगे हुए थे, पेट्रोल पंपों पे, अडानी के मॉल्स के, और जो हमारे रेलवे ट्रैक थे, हमारे राइटर्स उसी दिन से लेखक भाइयों के साथ हैं। अच्छा, आपने बताया और हम सब जानते हैं कि पंजाब में ये लड़ाई करीब 3 महीने पहले से चल रही है। 3.5 महीने हो गए। लेखकों का किसानों के साथ क्या रिश्ता है और क्या ये रिश्ता इस आंदोलन में स्थापित हुआ है? देखिए, हमारा जो ज़्यादा लेखक हैं पंजाबी का, और इवन हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत से जो देहात से आने वाले लेखक हैं, वो किसानों के परिवारों से है। कोई किसान का बच्चा है, कोई किसान का भाई है, तो किसानी हमारे जो समाज में एक बहुत ऐसा हमारा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला वर्ग है। हम उसी के उन्हीं परिवारों से आने वाले हैं, हम सीमांत किसानों के परिवारों से आने वाले लोग हैं, हम इनका दर्द जानते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन ने लेखक की जमीर को भी बहुत झकझोरा है। लेखक ज़्यादा सुविधा भोगी हो जाते हैं, शहरों में रहते हैं, सहूलत लेने लग जाते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने लेखक की चेतना को भी एक उसमें उसकी चेतना में भी एक चिंगारी पैदा की है। हम जब पंजाब के लेखक की बात करते हैं तो हमारे सामने जो बड़े नाम आते हैं, अवतार सिंह पाश का आता है, गुरजीत सिंह का आता है, गुरशरण सिंह का आता है, और एक गुरदयाल सिंह का आता है, और एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें जो लेखक हैं, क्या वो दूसरी भूमिका में हैं?
नहीं, दूसरी भूमिका में भी है और पहली भूमिका में भी है। हमारा लेखन लेखन भी कर रहा है, लेखन के साथ साथ वो इस आंदोलन में भी शामिल है। आप देखोगे कि पंजाबी के जो नौजवान जिनके ऊपर ये लांछन लगता था कि वो लच्चर गीत लिखते हैं, वो अश्लील गीत लिखते हैं, इतने नए गीत लिखे गए हैं, इतने नए लड़के पैदा हुए हैं जिन्होंने कलम उठाई है। इस आंदोलन के दौरान बहुत सी नई कलमें उदा हुई हैं और बहुत से जो पुराने लेखक थे हमारे, जो वो उस बोली को छोड़ चुके थे जो किसान की बोली थी, जो आवाम की बोली थी, जो आम आदमी की बोली थी, लेखक अब हमारे लेखक को ये सोचना पड़ा कि मैं जो बात करूं उसी बोली में, उसी भाषा में बात करूं जिसको किसान समझता हो। यह कहा जाता है कि किसी आंदोलन का परिणाम चाहे जो भी हो वह देश के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। सीए के खिलाफ हुए लंबे आंदोलन के बारे में भी यह बात सिद्ध होती है, क्योंकि उन आंदोलन ने प्रतिरोध को एक नया आयाम दिया है। आंदोलन के एक साल पर नजर डाल रहे हैं नीलांजन, आइए उन्हें देखते हैं। याद कीजिए पिछले दिसंबर को, 2019 के दिसंबर का महीना। By the beginning of the month, the government had begun acting like one that was drunk on power. It was completely intoxicated by the parliamentary majority that the BJP enjoyed after the 2019 elections. सत्ता पक्ष को लगने लगा था कि वो चाहे जो भी इच्छा हो उनकी, उसको वो कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उनके कॉन्फिडेंस के कारण भी थे। मई 2019 के चुनाव के कुछ ही महीनों के अंदर मोदी सरकार ने अपने कई आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरे कर लिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन, आरटीआई एक्ट का डाइल्यूशन, ट्रिपल तलाक बिल का पासेज, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का एक कंटेंशियस जजमेंट जिसने कहा कि वहां मस्जिद तो थी लेकिन बनेगा अब वहां मंदिर ही। सरकार को लगने लगा संघ परिवार के जो बाकी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी लगे हाथ एकम्प्लिश कर लिया जाए। 4 दिसंबर 2019 को यूनियन कैबिनेट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को क्लियर कर दिया ताकि वो पार्लियामेंट में पेश हो सके। तुरंत इस कानून के खिलाफ आंदोलन का सिलसिला शुरू हो गया, पहले असम में और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में तेजी से ही आंदोलन फैल गई। देखते ही देखते नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में भी इस प्रपोजल का भयानक विरोध होने लगा। तब भी सरकार ने वार्निंग सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया। 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को टेबल करके मूव कर दिया। अपने भाषण में अमित शाह ने क्लियरली CAA को NRC से लिंक किया। This showed scant regard for the protests in Assam. It had a background of massive anger over a faulty NRC that had left thousands of people in the state as homeless or stateless. 10th December 2019 ko CAB, yani ki Citizenship Amendment Bill, Lok Sabha mein pass ho gaya. Uske agle din बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। पैसेज का प्रोसेस बहुत विवादास्पद था। स्पष्ट था बिल को सिलेक्ट पार्लियामेंट्री कमिटी को रेफर करना बेहतर होता, बट द गवर्नमेंट वॉज हेल बेंट ऑन परस्यूइंग इट्स एजेंडा। उसके बाद सुपरसोनिक स्पीड से, जो सरकार में अमूमन नहीं होता है या दिखाई नहीं देती है इस तरह की चीज, राष्ट्रपति ने बिल पर अपने हस्ताक्षर उसके ठीक अगले दिन 12th of December 2019 को कर दिया और उसके साथ ही CAA और NRC दो और ऐसे एब्रीविएशन बन गए जो किसी भी भारतीय भाषा के वोकैबुलरी के एसेंशियल्स बन गए। उस वक्त असम और नॉर्थ ईस्ट के
बाकी स्टेट्स में स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इट शुड नॉट हैव बीन अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द गवर्नमेंट दैट फ्रेंडली कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इजराइल एंड कैनेडा इशूड ट्रैवल वार्निंग्स फॉर देयर सिटीजंस विजिटिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके बावजूद सरकार ने सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। कारण सिंपल था, एनआरसी और सीएए से बीजेपी को सामाजिक ध्रुवीकरण करने से इसका फायदा मिल रहा था। सीएए के टारगेट में मूलतः मुस्लिम्स थे, परंतु इस डिस्क्रिमिनेटरी कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं थे मैदान में, बहुत दूसरे लोग बाकी धर्मों के भी थे जो इस आंदोलन में शामिल होने लगे। उनके विरोध का कारण बहुत ही सिंपल था, वे नागरिकता को धार्मिक पहचान या रिलीजियस आइडेंटिटी से जोड़ना नहीं चाहते थे। 13 दिसंबर 2019 को कई गैर बीजेपी राज्यों ने घोषणा की कि वे सीएए के प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे। असम में मीनवाइल आंदोलन ने तेजी पकड़ ली थी, पुलिस फायरिंग में एक नागरिक की मृत्यु भी हो चुकी थी। दिसंबर 15 को द सिचुएशन टुक अ वायलेंट टर्न व्हेन द पुलिस फोर्सिबली एंटर्ड द कैंपस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड डिटेन्ड द स्टूडेंट्स। पुलिस ने निहत्ते छात्रों को लाठीचार्ज किया, उन पर आंसू गैस छोड़ा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हैपजर्डली उनको अरेस्ट किया। पुलिस वायलेंस से बचने के लिए छात्रों ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की, उन्होंने अपने को खुद में जोखिम में डाला। Many of these acts of bravery were captured by a very alert media, some of them which went on to become iconic images of the anti-CAA agitation. Jo chhatr library mein padh rahe the, unhein bahar nikala gaya. Unhein haath uthane ke liye kaha gaya tha, jaise ve armed offenders the, jinhein surrender karne ke liye majboor kiya gaya ho. सबसे बुरा यह था कि छात्रों पर हुए क्रूर हमले में पुस्तकालय का रीडिंग रूम को भी नुकसान पहुंचा था। सही कहा जाता है, फिक्सेटेड आइडियाज रखने वाले लोगों को ज्ञान की खोज और शोध से क्या लेना देना। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम जैसे स्टेट्स और दिल्ली के नागरिकों ने जुलूस निकाले इन सपोर्ट ऑफ द जामिया मिलिया स्टूडेंट्स। एक तरफ तो सीएए के खिलाफ आवाज उठ रही थी, वहीं दूसरे तरफ पुलिस बिहेवियर और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स पर जनता के बीच रिवल्शन जल्दी से फैल रहा था। ओवर 140 पिटीशंस वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय डिफरेंट पार्टीज अक्रॉस द नेशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सीएए। मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स, एज आई टोल्ड यू, हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड that they shall not implement the provisions of the controversial act. International organizations like the United Nations Human Rights Body were critical of the new law. Unke hisab se kanoon fundamentally discriminatory tha. Iske bawajood Supreme Court ne Sabrimala ke religious practices ko prioritize karna behtar या उचित
समझा। These 140 petitions still remain pending. आखिरी हियरिंग 3 मार्च 2020 को हुई थी। पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट के रोल को अगर हम विभिन्न हाई कोर्ट से कंपेयर करें तो छवि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी। द हाई कोर्ट्स वर ओवर द पास्ट ईयर मोर प्रोएक्टिव व्हेन इट केम टू डिफेंडिंग बेसिक ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, सेफगार्डिंग द राइट्स टू फ्री स्पीच एंड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि शाहीन बाग का नाम एंटी CAA एजिटेशन के साथ सिनोनिमस हो गया है। द कोल्ड विंटर ऑफ 2019 एंड द अर्ली मंथ्स ऑफ 2020 saw the protests getting a new meaning as hundreds huddled peacefully. They gave new meaning to dissent and spawned the culture of protest after a long time. It drew people from all across the country just to see what was happening. It seemed that this was a revolution of a certain kind. Purane geet, नए मायने, नई पंक्तियां। कोई कहता मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, कोई और बोलता हम देखेंगे। उधर से एक और आवाज उठती थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। हमारी चौथी और आखिरी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी कि 21 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,337 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 333 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 25,709 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से आज 1,705 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,560 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,45,810 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.53% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से अब तक 96,06,111 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3.01% यानी 3,03,639 रह गई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।